जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट केमिकल होता है जिसका यूज हम करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। जी हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल, जहाँ डोमेस्टिक पॉल्यूशन होता हो या इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस होते हैं, उन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को सही करने, साफ करने या उनको रोकने के लिए हम H2O2 का यूज किया जाता है। तो यानी कि अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज कहाँ हो रहा है, इन डोमेस्टिक यूज ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। अब इसकी बात हम करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन जो होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन जो की जाती है, ठीक है, H2O2 की प्रिपरेशन वो की जाती है एसिडिफाइड। यहाँ दोस्तों क्या बोला मैंने, एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड जो है, इसके अंदर रिमूविंग ऑफ वाटर जो होता है बाय इवेपोरेशन एट, बोलो, अंडर हाई प्रेशर। यहां से आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये एसिडिफाइड आपका H2SO4 ले लेंगे, एसिडिफाइड है तो ये एसिडिफाइड लेंगे तो इसके साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन से बनेगा यहाँ पर ये BSO4 प्लस आपका जो होगा H2O प्लस आपका H2O2 बन जाएगा। लेकिन इसमें खास बात याद रखनी है क्या, कि आजकल इस रिएक्शन में हमने H2SO4 को हटा दिया है। एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड के अंदर जो वाटर रिमूव किया जा रहा है वो रिमूव किया जाता है बाय इवेपोरेशन अंडर, ठीक है, रिड्यूस प्रेशर। तो यहां पर ये बात कर रहा है H2SO4 जो है उसको हटा के आजकल हम क्या करते हैं, S3PO4 यूज किया जाता है। Nowadays H3PO4 इज यूज बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो H2SO4 होता है यही इस H2O2 के कैटेलिटिक डीकम्पोजिशन को बनाता है। क्या करता है, उसके कैटेलिटिक डीकम्पोजिशन को बनाता है। क्या बोला जल्दी बताओ, कैटेलिटिक डीकम्पोजिशन को बढ़ाता है। यानी कि अगर आपने यहां पर H2SO4 लिया तो आपने H2SO4 इसलिए लिया ताकि H2O2 बने, और H2O2 को ही H2SO4 डीकम्पोज कर रहा है, यानी कि उसके डीकम्पोजिशन की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, तो नुकसान हो रहा है, तो हमने हटा के उसकी जगह क्या ले लिया आजकल, H3PO4। तो नाउडेज H3PO4 यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो प्रिपरेशन होती है वो होती है परऑक्सो डाइसल्फेट। अब ये एक परऑक्सो डाइसल्फेट क्या होता है, आपको याद है मार्शल एसिड नाम सुना हो तो H2S2O, मार्शल एसिड का आयन है। तो परऑक्सो डाइसल्फेट जो होता है ये कहां से आएगा पता है आपको, ये आएगा बाइसल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से एट हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जब हम HSO4- का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास ये बनता है, और ये मार्शल एसिड का आयन है। और आपको याद होगा दोस्तों कि मार्शल एसिड हमने हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस के अंदर जब मैंने पढ़ाया था H2 तो उसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपका H2O2 भी बना था। मैं अभी बता देता हूँ वापस, तो इसकी लैंग्वेज सुनो आप, यहाँ पर क्या लैंग्वेज पर ध्यान देंगे क्योंकि लैंग्वेज एज इट इज आई NCERT से, किसमें, JEE मेन में, तो वो लैंग्वेज आपको मेरी सुननी है। मैकेनिज्म तो बहुत इजी है बट स्टेटमेंट आ जाते हैं सीधे सीधे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो स्टेटमेंट पढ़ के कि क्या होता है। फिर से बोल रहा हूं वापस से, पर ऑक्सो डाइसल्फेट ये कैसे बनेगा, बोलो, बाइसल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से एट हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये आपका बनेगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा। तो यानी कि रिएक्शन अगर हम कराएं तो यहां पर आएगा ये HSO4-, ठीक है, HSO4- आने के बाद ये HSO4- का अभी अभी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, यहां पर अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक आपका ले रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको बताया था हाई करंट पास करने पर इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपके पास जो है वो क्या बनेगा यहाँ ये, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर, ये हाइड्रोलिसिस है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपके बन जाएगा यहाँ पर, जल्दी बोलो,
क्या बनेगा? अभी तो बताया था H2O2। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, ये याद करो आप, मार्शल एसिड ऐसा था। मैं आपको हाइड्रोलिसिस पे ले जाता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। और ये हाइड्रोलिसिस जब कराया था तो याद है इसका प्लस सिक्स आया था, और ये वाटर लिया था अपन ने, तो यहाँ से आप देखो जो प्लस होता है उस पर वाटर का OH माइनस जाएगा, जो प्लस होगा उस पर OH माइनस जाएगा, और ये H प्लस है तो ये यहाँ यहाँ आ जाएंगे, तो ये बन गया ना H2O2। यहाँ पर भी H2SO4 आएगा, और यहाँ पर भी H2O2 2H2। तो इससे बन जाएगा। तीसरा एक आपने पी ब्लॉक के अंदर भी आया था, वापस से मैं बता रहा हूं दोबारा, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है, इसमें क्या करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में, ध्यान सुनना, इंडस्ट्रियल मेथड में आपने सुना होगा नाम ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl anthraquinol। क्या बोला मैंने? ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl anthraquinol। तो ऑटो ऑक्सीडेशन किया जाता है 2-alkyl anthraquinol का, यानी कि एल्काइल की जगह अगर इथाइल ले लें तो ये 2-ethyl anthraquinol, और 2-ethyl anthraquinol का ऑक्सीजन से कराया तो ये आपका H2 और PT बनेगा, सॉरी ये H2O2 बन जाएगा प्लस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 2-ethyl anthraquinol O2, H2O2 और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। अगर यही वापस से H2 डाल दें और पैलेडियम से रिडक्शन करा दें तो इधर आ जाएगा वो, क्लियर? ठीक, इस मेथड से जो है वो 1% H2O2 प्राप्त होता है। अब 1% H2O2 प्राप्त होता है वाटर के अंदर, तो अब इसे हम क्या करते हैं और कंसंट्रेटेड करना है, तो 1% H2O2 को कंसंट्रेटेड किया जाता है 30% बाय मास, ठीक है? और वो कैसे किया जाएगा? डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन से पानी उड़ा देंगे अपन, और पानी अगर उड़ जाएगा तो पानी उड़ते 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 H2O2 क्या होने लगेगा? कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि हम वाटर कैन बी रिमूव्ड, समझ रहे बात को? वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, और कंसंट्रेट करते हैं इसको 30% बाय मास से, और वो करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है? और इससे 30% बाय मास आ जाएगा, और अगर और ज्यादा कर रहे हैं तो इट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड, 85% की बात कर रहा हूं, फर्दर 85% तक हम इसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड 85% बाय डिस्टिलेशन, एट केयरफुली डिस्टिलेशन, मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, केयरफुली डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, ठीक है? तो यहां पर आप कुल मिला के देसी में समझो आप, तो 1% मिलता था, उसको 30% कर लेते हैं वाटर को डिस्टिलेशन के थ्रू, वाटर का डिस्टिलेशन करा के, और फिर उसे और फर्दर प्यूरिफाइड कर सकते हैं, 85% तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? और जो रिमेनिंग जो वाटर होता है उसको फ्रोजन कर लेते हैं ताकि H2O2 ऑप्टेन हो जाए, यानी कि H2O2 इज ऑप्टेन बाय फ्रोजन ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर को फ्रोजन कर लेते हैं और H2O2 रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से इस मेथड से 1% मिला, जिसे 30% में किया, और 30 को फिर 85% में ले गए, ठीक है? अब बात आती है H2O2 की, ठीक है? तो H2O2 की प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है H2O2। क्या बोला मैंने? ऑलमोस्ट कलरलेस होगा दोस्तों, बिल्कुल पेल ब्लू कलर होता है वैसे इसका, लेकिन वो पेल ब्लू इतना हल्का नीला है कि कलरलेस होगा, वो पेल ब्लू, क्या बोला मैंने? इतना हल्का, वो पेल ब्लू इतना हल्का है कि कलर लेस होगा, ठीक है? तो पहली बात होगी। दूसरी बात जो आती है वो पेल ब्लू होता है, हल्का पीला होता है, हल्का नीला, जो कि हटा दो आप, ठीक है? लिक्विड, क्लियर? दूसरी बात जो होती है इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो भी ये कलरलेस है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कलरफुल बोलें कलरलेस बोलें, तो इसको कलरफुल कलरलेस बोलने की बजाय आपको सीधा सीधा ये बोलना है
कि आप जो है वो कलरलेस। और अगर हम बात करें तो ये मिसेबल होता है H2O2। क्या बोला मैंने? मिसेबल। मिसेबल होता है किसके अंदर? पानी के अंदर। और पानी में मिसेबल होता है इसीलिए हाइड्रेटेड फॉर्म में भी पाया जाता है, इसके हाइड्रेट भी मिलेगा। पानी में मिसेबल होता है ये और इसीलिए ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है H2O2.H2O में। क्लियर? तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। 30% ऑफ H2O2, ये फिजिकल में पढ़ा होगा आपने कि 30% ऑफ H2O2 की बात जब हम करते हैं तो 30% ऑफ H2O2 की बात करने पर आपको पता है वो 100, कुछ याद है फिजिकल में ऐसी वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन आती हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि 30% H2O2 जो होता है वो 30% H2O2 आपके सॉल्यूशन जो होता है मार्क्ड एज 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2। 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मार्क्ड एज 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2 जिससे आप फिजिकली कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहां तक की बात आ गई। इसके बाद अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो देखो स्ट्रक्चर आप सबको पता ये है, अब इस स्ट्रक्चर को देखो आप। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, ये नॉन प्लेनर है। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, नॉन प्लेनर है, sp3 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस इसका जो म्यू था वो जीरो था, नहीं था, इसलिए पोलर है। और नॉन प्लेनर क्यों है? क्योंकि ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक इस तरह से बुक है, ये आपका बुक है, इसको आप ऐसे खोलोगे तो आपको क्या दिखेगी? H2O2। यहां पर आपका ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां आपका H है, यहां H है। तो ये देखो आप, क्लियर? तो ये आपका क्या है? H2O2। तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर होगा तो म्यू भी जीरो नहीं होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इस स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं उसमें H2O2 की एक तो गैस फेज में स्ट्रक्चर की बात होगी, और एक सॉलिड में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये देखो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इस डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है 147। कितनी होती है? ऑलमोस्ट 147 पिकोमीटर। तो अगर 147 पिकोमीटर की बात करें हम, तो 147 पिकोमीटर, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो आप देख सकते हो चलो मैं डायहेड्रल एंगल अभी बनाता हूं। पहले इसको देखो आप, ये 147.9 पिकोमीटर के आसपास है, ये आपके 95 पिकोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, ये आपका जो है वो डायहेड्रल एंगल की बात कर रहा हूं। डायहेड्रल एंगल मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास है ऐसे, ये अब आप इसको ऐसे खोल रहे हो, तो ये खोलने पर यहाँ एक कॉर्नर जो है ना, इस पर एक एंगल आ रहा है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अगर ये यहाँ पर एक एंगल आ रहा है तो इस हिसाब से क्या होगा बोलो? इस हिसाब से जैसे यू और ये यू जाए तो ये डाइहेड्रल एंगल होगा, नहीं होगा? ये यू H2O2 को लेके आए अपन ऐसे, तो ये आपका जो डाइहेड्रल एंगल होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? जैसे अगर मैं कहूँ इसको कि ये है, ये है, एक ऐसे बना दिया इसको सपोज, ये डाइहेड्रल एंगल जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये H2O2 बन गया। ये जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो करीब 111 समथिंग है, कितना है? 111। और ये आपकी 147.9 है, ये आपका 95 पिकोमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये आपका कितना है? 111। तो आपसे सवाल पूछेगा, ये गैस फेज में स्ट्रक्चर इसकी किसमें है? गैस फेज में। और गैस फेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अभी मैंने क्या बोला? 111
ग्यारह एग्जैक्ट इसका है 111.2। ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, आप ये सोच लें क्या साला की वैल्यूज याद करनी है तो वैल्यूज याद करेंगे सर, इतना टेंशन। ये तो ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ ताकि जेई मेन में कभी भी ऐसे आ जाए तो एक जनरल व्यू आपके माइंड में हो, क्योंकि आप जनरली पढ़ते समय इतना स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ते समय आप थोड़ा रफ आइडिया लेके पढ़ोगे, आप पढ़ते पढ़ते ऐसे से गोथ्रू हो जाओगे बिल्कुल ही, तो फिर वो गोथ्रू ऐसे होने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये 94.8, ठीक, तो आपसे पूछेगा ये एंगल ज्यादा कि ये एंगल, तो अपने आप बता दो कि ये वाला ज्यादा है। ठीक है, तो ये गैस फेज में होता है इसका स्ट्रक्चर। अब आएगा सॉलिड फेज में, इसमें आएगा सॉलिड फेज में, तो सॉलिड फेज की अगर हम बात करें छोटा बना देता हूं, ये आपका 145 के आसपास होता है। देखो अब ये सॉलिड स्टेट है, क्या है सॉलिड, अगर ये सॉलिड है तो यहाँ 145 पिकोमीटर के आसपास आएगा। अब यहाँ सॉलिड में क्या एच बॉन्डिंग हो रही है, जैसे ये देखो आप एच बॉन्डिंग, ठीक है, तो एच बॉन्डिंग होने की वजह से गड़बड़ है यहाँ पे, ये अभी बताऊंगा, ये कम हो जाता है, जैसे 145 पिकोमीटर है ये 98.8 आएगा, ठीक है, ये आपका 90.2 आएगा, ये 101.9 आएगा, है ना। तो यहाँ पूछा जाता है कि भाई ये एंगल कम क्यों हुआ, तो एच बॉन्डिंग हो रही होती है सॉलिड के अंदर, सॉलिड में क्या हो रहा होता है एच बॉन्डिंग, सॉलिड में क्या हो रहा होता है एच बॉन्डिंग, तो एच बॉन्डिंग होने की वजह से आपका ये एंगल घट जाता है, अट्रैक्शन आ रहा है, एच बॉन्डिंग होने से ये लोन पेयर चले जाते हैं किसमें बॉन्डिंग में, तो यहाँ लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो रिपल्शन थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है, तो उस वजह से आपका क्या है लेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ लेंथ क्या होने लगती है कम, रिपल्शन कम हो जाएगा तो लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ लोन पेयर रिपल्शन करेंगे हल्का सा तो इसलिए लेंथ बढ़ेगी। आपको इसके एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाना, कोई भी ये डाउट नहीं पूछेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, कोई सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इसकी शक्ल दिखानी थी मुझे बस, मैंने इसलिए वैल्यूज लिखी हैं, कोई मतलब नहीं है, बस एक बार देख लेना, क्योंकि जेई मेन में कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, तो आप अननोन ना रहें, कम से कम टिक करते समय आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो। और इस लेक्चर को सुनने के बाद एनसीईआरटी खोलना या शीट खोलना, H2O2 लिखना, ठीक है, और H2O2 को शीट में से एक एक लाइन को अच्छे से याद करना, दिमाग में बिठाना, उसके बाद लेक्चर को बंद करना, कोई भी लेक्चर को ऐसे बंद नहीं करेगा, वरना क्या होगा, सुन लिया, मूवी देखी और भूल गए, फिर कुछ नहीं होगा, एक बार स्ट्रॉन्ग करना इसको अंदर तक। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो H2O2 जो होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। अब ये लाइन एज इट इज आ गई मेंस में, प्रूव दिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और उसका स्टेटमेंट क्या है सुन लो जरा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दोबारा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम, दोनों मीडियम में है दोस्तों, जी हाँ, ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक एसिडिक मीडियम, तो पहली पढ़ रहे हैं इसके अंदर बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, जब ये रिड्यूस होता है तो ये -2 की रिएक्शन में जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर -1 होता है H2O2 में, H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और H2O2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें OO बॉन्ड है, तो OO नॉन पोलर बॉन्ड है, और OH बॉन्ड है पोलर, तो एक सवाल और आता है कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड पाए जा रहे हैं, H2O2 ऑक्सीडाइज में क्या होगा रिड्यूस, और ये ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा आता है PbS, PbS को ये ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा ये H2O में, ठीक है, तो दो रिएक्शन तो ये हो गए इसकी। अगला B, B
बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. तो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम बात करें तो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में एक तो ये रिड्यूस करेगा MnO4- को, जिसमें ये MnO4- को किसमें ले जाएगा Mn+2 में और खुद चला जाएगा H2O+ O2 में. जी हाँ दोस्तों देखो ये माइनस वन है, ये जीरो आया. क्या हुआ इसका माइनस वन से जीरो? ऑक्सीडेशन. और दूसरा आपके जो है वो HOCl, HOCl की रिएक्शन होती है तो ये बनाता है H3O+ plus Cl- प्लस खुद चला जाएगा H2O plus O2. देखो आप ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूस कर रहा है इनको लेकिन खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज. ठीक इसी तरह से फिर से वही आएगा बेस्ड ऑन, सॉरी सही लिखा था यार, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. लेकिन यहां क्या आ जाएगा? इन बेसिक मीडियम. क्या आ जाएगा? बेसिक. बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें अगर अपन, तो फिर से वही ऑक्सीडाइज करेगा ये Fe प्लस टू को H2O2, ये Fe प्लस थ्री में जाएगा और ये OH माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में जो H2O है, क्योंकि बनना तो इसको H2O था लेकिन बना क्या ये OH माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है. Mn प्लस टू को कहां ले जाएगा? Mn प्लस फोर में, बेसिक मीडियम. बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. अब अगर मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अंदर आप सबको पता है क्या होगा? देखो एक तो I2 को रिड्यूस करेगा और एक MnO4- को. अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आप खुद बताना, I- में जाएगा ये तो और खुद जाएगा किसमें? O2 में. फिर से ये MnO4- है, ये MnO4- इसके साथ H2O2 है, रिएक्ट करके क्या जाएगा बताओ? MnO2. और इसका जो कलर था वो पिंक या पर्पल कलर है और ये आपका क्या है? ब्राउन कलर है. प्लस H2O2, ध्यान रखना भाई, ये पिंक और पर्पल कलर है, ये ब्राउन कलर है. ठीक है, अब मीडियम बेसिक है तो आप बैलेंस करने के लिए यहाँ OH- भी लगा सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से इसकी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं. तो आपको क्या पता चला? H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है और दोनों ही एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में होता है. अब बात करते हैं इसके अंदर स्टोरेज की, कि आखिर H2O2 का स्टोरेज कहाँ होगा. तो जो इसका स्टोरेज होगा वो ध्यान से सुनना कि ये डीकम्पोज हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट. H2O2 की टेंडेंसी क्या है? डीकम्पोज हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट. जी हाँ दोस्तों, एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के कॉन्टेक्ट में आते ही डीकम्पोज हो जाएगा ये. तो ये समस्या हो गई. दूसरी बात, मेटल सरफेस आ जाए या अल्कली मेटल्स आ जाए तो भी इसके डीकम्पोजिशन को कैटेलाइज कर देते हैं, यानी कि वो जल्दी डीकम्पोज हो जाता है. और यही रीजन है कि इसको आप मेटल के सरफेस यानी कि मेटल कंटेनर में नहीं रख रहे और ग्लास में नहीं रख सकते, क्योंकि ग्लास के अंदर होता है सोडियम सिलिकेट. सोडियम सिलिकेट होता है तो अल्कली होगा वो, और अल्कली होगा तो फिर डिकम्पोज हो जाएगा. तो इसलिए इसे वैक्स कोटेड ग्लास वेसल्स में रखा जाता है और वो भी डार्क में. तो वैक्स कोटेड ग्लास वेसल्स में रखेंगे डार्क में, समझ गए बात को. और यूरिया ऐड कर देते हैं इसके अंदर कुछ स्टेबलाइज करने के लिए. तो यूरिया का फंक्शन पूछा जाता है कि यूरिया क्यों डाला जाता है, तो स्टेबलाइज करने के लिए. यूरिया क्यों डाला जाता है बताओ? स्टेबलाइज करने के लिए. ठीक है, तो यूरिया हम क्यों डालेंगे? स्टेबलाइज करने के लिए. तो स्टेबलाइजेशन आपसे पूछेगा तो बता देंगे. अब लेकिन एक खास बात यह होती है कि डस्ट, या दोस्तों इसको डस्ट से दूर रखना है. इट केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट एक्सप्लोजिव डीकम्पोजिशन अगर. जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लोजिव डीकम्पोजिशन हो जाता है इसका, यानी अभी तक तो बेचारा क्या कर रहा था, सिर्फ डीकम्पोज हो रहा था, लेकिन अगर डस्ट के कॉन्टेक्ट में आ गए तो एक्सप्लोजिव डीकम्पोजिशन हो सकता है, तो लैब में आग लग सकती है, इसलिए इसको डस्ट से दूर रखा जाता है.
क्लियर। अब बात आती है इसकी यूजेस। तो देखो यूजेस की बात करें अगर अपन, तो जो पहला यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है कि ये हेयर ब्लीच या बालों को कलर करने वाली ब्लीच में डाला जाता है। H2O2 देखा भी होगा आपने, बार-बार शॉप पे मिल जाते हैं कई बार। तो ये आपका H2O2 ब्लीचिंग इसमें हेयर ब्लीच करने के काम आता है। हेयर ब्लीचिंग के साथ साथ ये डिसइंफेक्टेंट है जी, हाँ दोस्तों, प्लस एक एंटीसेप्टिक भी है। कभी चोट लगती है तो देखा होगा डॉक्टर के H2O2 रखा रहता है, वो डालता है, व्हाइट कलर की बोतल होती है, ऐसे प्रेस कर देता है, खूब सारा निकलता है, वो H2O2 होता है। तो पहली क्या हुआ ये इसका यूज, पहला यूज तो हेयर ब्लीच करने में हो गया, दूसरा यूज मैंने क्या बताया इसका बताओ, डिसइंफेक्टेंट है, तीसरा यूज एंटीसेप्टिक होता है। और एंटीसेप्टिक में मार्केट में ये इसका नाम होता है पर हाइड्रोल। तो मैच द कलम तैयार हो गया ये, पर हाइड्रोल कौन होता है, तो आंसर टिक कर देंगे आप H2O2, पर हाइड्रोल कौन होता है H2O2। अब बात आती है इसकी दूसरी कि अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने में भी यूज किया जाता है जो हमारे डिटर्जेंट के अंदर यूज होते हैं, जैसे पर बोरेट, पर कार्बोनेट, ये हाई इंटेंसिटी वाले डिटर्जेंट होते हैं। और ये पर बोरेट मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब पी ब्लॉक पढ़ रहे थे या अपने कभी पढ़ाओ देखाओ याद कराओ सुनाओ या याद आ जाए तो ध्यान से सुना मैं बोल रहा हूँ, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग, तब भी बताया था। और वो क्या बताया था कि एक स्ट्रक्चर बनाता था मैं, बी ओ ओ बी ओ ओ बी और ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच, उसी का नाम होता है परबोरेट। और उसके लिए लिखवाता भी था कि इट इज यूज एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर निर्मा, याद आया? तो ये वही था, और याद नहीं आया तो भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि जेई मेन से क्या परबोरेट और पर कार्बोनेट के अंदर यूज किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और पर कार्बोनेट और परबोरेट जो होते हैं वो हाई इंटेंसिटी वाले जो है वो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक अच्छा लेबोरेटरी के अंदर अगर हम बात करें तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी हो गया और ब्लीच करने के काम आता है, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, इसी तरह से आपके जो है वो पल्प, पेपर पल्प जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के भी काम आता है, ठीक है। तो पेपर पल्प हो गया, ये आपके जो है वो पेपर पल्प के बाद मैंने क्या बताया था अभी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम आएगा। तो ये जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है, ये टूटता है H2O+ किस में टूटेगा, O में। तो H2O+ O में ये टूट जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी और ये ऑक्सीजन उसको ब्लीचिंग एजेंट बना देती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बना देती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो कुछ फूड्स मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको सिंथेसिस करने में भी इसका बहुत यूज किया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके फूड की, सॉरी फूड क्या, अगर मैं बात करूँ सिंथेसिस करने की, तो जैसे आप टार्टरिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी आपके यूज किया जा सकता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, तो ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल के लिए था, ठीक है, टेक्सटाइल के साथ साथ आपके लेदर, ठीक है, लेदर के साथ साथ आपको क्या बताया मैंने, पेपर पल्प, ऑयल्स को भी कर सकता है और फेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको भी ये कर सकता है। तो यहां तक की बात अगर आपसे पूछा जाए तो आराम से बता देंगे। और इंडस्ट्री की बात करने के बाद मैंने आपको एक और बार बताया था कि ये कुछ कंपाउंड बनाता है, जैसे टार्टरिक एसिड है, हाइड्रोक्विनोन्स है, इसके अलावा भी आपके सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स हो गए जिसके अंदर, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये सेफलोस्पोरिन बनाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो किस किस के अंदर बना रहे हैं, जैसे सिंथेसिस के अंदर हाइड्रोक्विनोन बना रहा है, सिंथेसिस हाइड्रोक्विनोन के साथ साथ टार्टरिक एसिड बना रहा है, फूड प्रोडक्ट्स बना रहा है और फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको पहले जब स्टार्ट किया था एक लाइन बोली थी, इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट, क्योंकि इसका यूज पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट, साइनाइड का ऑक्सीडेशन करने में भी इसका यूज किया जाता है। साइनाइड क्यों, पॉइजनस होता है, अगर वो एटमॉस्फेयर में आ गया तो वो जहरीली गैस से मर सकते हैं, हाईली पॉइजनस है वो, तो उसमें भी इसका यूज करते तो उसको हटाते। इसी तरह से एरेबिक, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है और वो जैसे जो अपने सीवेज होती है ना, सीवेज समझते हैं आप, सीवेज के अंदर जो आपके मटेरियल है या जो भी आपका वेस्ट है, सीवेज वेस्ट, उस वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, जैसे गोबर गैस होती है ना, गोबर गैस के अंदर क्या करते हैं, जो गैस होती है उसके अंदर बैक्टीरिया डाल देते हैं और फिर गोबर गैस बना लेते हैं जो कि अच्छी फायदेमंद होती है। तो उसी तरह का ये प्लांट होता है, उसके अंदर ये अरेबिक एक बैक्टीरिया है, अरेबिक सीवेज
जो आपके मैं बोल रहा हूँ वेस्ट, उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो ऑक्सीजन वहाँ के एनवायरनमेंट को वो हटा दे, साफ कर देती है। मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, ये तो मैंने ऐसे हिंट दे दिया, ठीक है। तो चलिए H2O2 की बात समझ में आई है, होप आपको आया ना।